What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है. रेस्टोरेंट स्टाइल नान, जो हम कई बार बोलते हैं कि तंदूर हमारे पास घर पे नहीं है और नान नहीं बना सकते हो, तंदूर वाला इफेक्ट नहीं आता है, वही तंदूर वाले इफेक्ट वाला नान घर पर कैसे बनाया जाता है बिना तंदूर के, बिना ओवन के, बिना कोई इक्विपमेंट के. बस एक हैंडल वाला तवा चाहिए और आपका नान एकदम परफेक्टली बन जाएगा. तीन टाइप के नान बता रहा हूँ, बटर नान, गार्लिक नान और चीज़ चिली गार्लिक नान. और ये तीनों ही नान माइंड ब्लोइंग बनते हैं. मैंने पहले भी नान की रेसिपी, तवे वाले नान की रेसिपी आप सबके साथ शेयर की हुई है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो अच्छे आते ही हैं. बट उसके बाद भी जब भी कोई रेसिपी बनाता हूँ, मैं कई सारा ट्रायल्स करते रहता हूँ और मैंने बहुत सारे नान के ट्रायल्स करने के बाद मुझे एक डो की रेसिपी जो है, परफेक्ट डो की रेसिपी मैंने एक बनाई है, जिससे आपके जो नान है वो बाहर से एकदम क्रिस्प बनते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं. और आप नान बना के भी रख दो तो देर समय तक ये सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होंगे. और इसके अंदर मैं गेहूं का आटा भी डालूंगा मैदे के साथ, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है इस रेसिपी की. बहुत ही आसान तरीका है, हर एक टिप और ट्रिक के साथ नान घर पे तंदूर वाला कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं. एक बड़े से बोल में आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून पानी, 1/4 कप दूध, आधा कप दही, 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है. एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद 2 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी भर नमक, ये सारी चीज़ें डालकर आपको अभी एक चम्मच ही मदद से या हाथों से ही आप इसे मिक्स कर लीजिए, जब तक कि जो आपका आटा है वो पानी को सोक नहीं कर ले. तो जब आपको कोई पानी नहीं दिख रहा है उसके बाद अपने हाथों से आपको मिक्स करना है और आटे को कंबाइन कर लेना है. आटा एक बार कंबाइन हो जाए तब इस आटे को अपने किचन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर लीजिए. किचन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने का जिसे अच्छे से नीड करना है, एक हाथ से इस तरीके से पकड़िए, दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए और यही प्रोसेस से आपको कम से कम इसको 10 मिनट तक नीड करना है, अच्छे से गूंदना है. आप अभी देख रहे होंगे हल्का सा आपको रफ लग रहा है आटा, हल्का सा स्टिकी भी लग रहा है. धीरे धीरे ये जो आटा है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेची हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा. तब तक इस आटे को आपको अच्छे से गूंदना है. आटे को गूंदने के प्रोसेस में, इसमें क्योंकि मैदा है, मैदे में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन फॉर्म होगा नीड करते टाइम पे और वो ग्लूटेन की वजह से आपका जो आटा है वो काफ़ी स्ट्रेची हो जाएगा. आपको इस वजह से इसको कम से कम 10-12 मिनट के लिए गूंदना है. तो 10-12 मिनट के बाद आप देख सकते हो आटा एकदम स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम स्ट्रेची हो गया है. इस स्टेज पर आटे का इस तरीके से एक बड़ा सा बॉल बना लीजिए. उसके बाद एक बोल ले लीजिए, बोल के अंदर हल्का सा तेल लगाइए, आटे को उठाकर उसमें रख दीजिए, आटे के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाकर इसे एक मॉइस्ट कपड़े से ढक दीजिए. अब इस आटे को आपको अच्छे से रेस्ट करना है. तो नान का जो आटा है हमने नीड कर लिया है, जो हमारा डो है वो तैयार हो गया है. अब इस डो को आपको बहुत अच्छे से रेस्ट करना है, बहुत अच्छे से यानी कम से कम मिनिमम 2 घंटे के लिए. अब क्या होगा, 2 घंटे के लिए जब आप रेस्ट दोगे इस आटे को, आटा जो है आपका ढल जाएगा, थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, इसमें जो ग्लूटेन फॉर्म होता है वो थोड़ा सा लूजन आउट हो जाएगा. और जब भी आपने नोटिस किया होगा, आप मैदे की रोटी जब भी बेलते हो तो वापस रिट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. जब आप इस आटे को अच्छे से रेस्ट दोगे और ये आटे को जब आप बेलोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आसानी से आप नान को बेल पाएंगे, आपका आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इससे काम करना आसान हो जाएगा और आपके नान जो हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, इलास्टिक नहीं बनेंगे. तो जो रेस्ट करने वाला प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 घंटे मिनिमम, 4, 5, 6 घंटे के लिए भी अगर कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा और बेटर है. तो अच्छे से एक बार आपका नान का डो जो है वो रेस्ट हो जाए, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको भी बता देता हूँ. आटे को मैंने 2 से 3 घंटे का रेस्ट दे दिया है. आप देख सकते हो आटा जो है हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है. अब इस आटे के आपको छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो डिवाइड कर लेने. तो ऐसे इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ करके मैं इसके पेड़े कट कर लेता हूँ इस तरीके से. आप देख सकते हो बहुत आसानी से पेड़ा बन जाता है. इसी तरीके से सारे पेड़े कट कर लीजिए, लगभग 8 से 10 पेड़े बन जाएंगे. फिर एक ट्रे या प्लेट लेकर उस पर हल्का सा तेल इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए. सारे पेड़े आप रख दीजिए. पेड़े रखने के बाद इसके ऊपर फिर से ऑयल ड्रिजल करना है ताकि आपके डो का सरफेस जो है वो ड्राई नहीं हो जाए. फिर इसके ऊपर एक मॉइस्ट कपड़ा आपको रख देना है और इन पेड़ों को भी कम से कम 15-20 मिनट का आपको रेस्ट देना है नान बेलने से पहले.
तो नान के जो पेड़े आप कट कर लेते हैं उसके बाद भी रेस्ट देना है, क्योंकि क्या होता है जब हम थोड़ा सा डो को छेड़ते हैं फिर से जो इसका ग्लूटेन है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो जब भी आप इसे थोड़ा सा फिर से रेस्ट देंगे ये फिर से हल्का सा ढल जाएगा आटा और आसानी होगी बेलने के लिए। जब तक ये नान के डो बॉल जो हैं वो रेस्ट हो रहे हैं तब तक हम क्या है इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं। पकाना कैसे, मैंने आपको पहले बताया था तवे पर पकाने वाले। अब तवा जो है आपका इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो ये हैंडल वाला तवा है। ये हैंडल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इस तरीके से एंगल में घुमाना पड़ता है तवे को, तो अगर बिना हैंडल के तवा है तो आप इसे घुमा नहीं पाओगे। दूसरा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो तवा है वो नॉनस्टिक नहीं होना चाहिए, लोहे का तवा होना चाहिए। नॉनस्टिक तवा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, नॉनस्टिक तवा इस्तेमाल करोगे तो आपका नान जो है वो तवे के ऊपर चिपकेगा नहीं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज़, आपका जो तवा है वो अच्छे से आपको क्लीन करना है, तो साबुन से आप इसको क्लीन कीजिए। इसके ऊपर अगर ग्रीस रहेगा तो भी नान चिपकने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अच्छे से धो लीजिए। तो ये तीन चीज़ों का, तीन पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान देना है। एक बार आपका तवा रेडी हो जाए उसके बाद आपको तवे को अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ पर मैं गैस पर इसको तवे को रख रहा हूँ। तवा आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तवा अगर आपका अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसको चेक करने के लिए इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़किए। पानी जो है आपका इमिजिएटली इवेपोरेट हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, आपने देखा पानी एकदम फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि पहले मैंने जितनी भी बार वीडियोस अपलोड की हैं नान या तंदूरी रोटी के जो तवे पर बनती हैं उसमें काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि नान या रोटी हमारी गिर जा रही है, चिपक नहीं रही है। तो यही कारण होते हैं कि एक तो नॉनस्टिक तवा कोई लोग यूज़ करते हैं या तवे के ऊपर ग्रीस होता है या तवा अच्छे से गर्म नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान देने तो ही आपका जो नान है अच्छे से बनेगा। सिंपल पॉइंटर्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है। अब तवा गर्म हो चुका है, नान के पेड़े भी अच्छे से रेस्ट हो चुके हैं, नान को बेल कर इसको पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो आटे का पेड़ा ले लीजिए, उसको सूखे आटे से कोट कर लीजिए। अब प्लेटफॉर्म पर रखकर या चकले पर रखकर इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। अब आपको बेलन से इसको बेलना है जब तक कि इसकी एक थिक डिस्क नहीं बन जाती है, तो एक ऐसा थिक राउंडल बन जाए। उसके बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी, आप काला तिल भी यूज़ कर सकते हैं, और हल्का सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल कर देने के बाद इसको आपको फिर से अच्छे से बेलना है। अभी इसे एक राउंड थिक चपाती जैसे आप बेल लेंगे। एक बार आपने एक थिक चपाती इस तरीके से बना ली है उसके बाद एक तरफ से आपको इस तरीके से खींचना है, एकदम केयरफुली खींचिए और इसको हल्का सा एक तरफ से लंबा कर लीजिए और इस तरीके से एक नान का शेप दे देना है। आप देख सकते हो नान का एकदम परफेक्ट शेप बन गया है। अभी इसको केयरफुली उठाना है अपने हथेली के ऊपर, पाम के ऊपर रखने के बाद उल्टे साइड पे आपको इसके ऊपर अच्छे से पानी लगाना है। ये पानी लगाने का प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, पानी अच्छे से नहीं लगाओगे तो भी नान नहीं चिपकेगा, ये भी बात का आपको ध्यान देना है। पानी लगाने के बाद अब गरम गरम तवे के ऊपर केयरफुली इस नान को पलटा दीजिए और चिपका दीजिए और फटाफट से अपनी उंगलियों से केयरफुली इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है कि नान अच्छे से चिपक जाए और ये जो आपने प्रेस किया इसकी वजह से आपका नान फूलेगा नहीं। बी केयरफुल क्योंकि आपका तवा गर्म है। इस स्टेज पर आपको बस 10-15 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर नान को पकाना है जब तक कि इस तरीके से ऊपर से बबल्स नहीं आ जाते हैं। एक बार बबल्स आ गए 15 सेकंड बाद तवे को उठाकर इस तरीके से आपको इस एंगल में पकड़ लेना है। तो मेरे तो गैस में ऐसे एक सेक्शन बना हुआ है जहां पर ये तवा अटक जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही अटका देता हूं। अगर आपके हॉब में ऐसी जगह नहीं है, मोस्टली नहीं होगी, तो आपको इस तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा और पूरे प्रोसेस में आपको इस तवे को हल्का हल्का जो एंगल है इसका वो चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका जो नान है वो हर तरफ से अच्छे से पके। तो लगभग 3-4 मिनट लग जाते हैं एक नान को पकने में। धीरे धीरे आप देखेंगे इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, नान आपका थोड़ा सा फूल भी जाएगा। एक बार आपका नान अच्छे से पक जाए इसको हल्का सा रंग देने के लिए इस तरीके से नान को आपको फ्लेम के ऊपर पकड़ना है, तवे को इस तरीके से घुमाना है ताकि आपका नान थोड़ा सा कलर और पकड़ ले। अब आप देख सकते हो नान हमारा एकदम परफेक्टली पक चुका है, कलर भी एकदम बढ़िया आ चुका है। कौनचे की मदद से नान को इस तरीके से निकाल लीजिए, मैं आपको पलटा कर भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो एकदम तंदूर वाला इफेक्ट आ गया है, नान दोनों तरफ से पक चुका है। अब नान को आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बटर नान के लिए इसके ऊपर ढेर सारा मेल्टेड बटर लगाइए और आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान हमारा रेडी हो गया है। तो आपने देखा नान एकदम परफेक्ट बना है, क्या रिजल्ट्स आए हैं तवे के ऊपर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है के तंदूर से अभी अभी गरम गरम निकल के आया है और गारंटी दे सकता हूँ कि एकदम परफेक्ट नान बनता है। खाली एक चीज़ का ध्यान देना है, जब इसको पका रहे हैं तो पैन को जो है अपने तवे को है
इस तरीके से हर एंगल में आपको घुमाते रहना है ताकि हर साइड से जो नान है आपका पके अच्छे से और जो फ्लेम है वो आपकी हाई रहनी चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अभी पकाना कैसे है नान को वो तो बता दिया है। अब दो वर्जन है, एक तो गार्लिक लगाएंगे ऊपर और गार्लिक नान बनाएंगे और एक चीज़ चिली गार्लिक नान बनाएंगे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, खाली बनाते कैसे फटाफट आपको एकदम क्विकली बता देता हूँ। आटे का पेड़ा ले लीजिए, सूखे आटे से कोट कर लीजिए। अब इसको आपको अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद इसको इस तरीके से एक साइड से स्ट्रेच करके नान का शेप दे देना है। एक बार नान का आपने शेप दे दिया, उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाइए। उसके ऊपर चॉप्ड गार्लिक आपको इस तरीके से अच्छे से फैलाना है, ढेर सारा गार्लिक लगाइए। साथ ही में थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया जो है वो भी स्प्रिंकल करके इसको आपको ऊपर से इस तरीके से प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि गार्लिक और धनिया अच्छे से चिपक जाए नान के ऊपर। एक बार ये नान आपका रेडी हो जाए, इसको केयरफुली उठाइए, पीछे साइड पे नान के पानी लगाइए और फिर केयरफुली तवे पर डालकर चिपका दीजिए। सेम तरीके से आपको हल्का सा प्रेस करना है और बाकी का जो कुकिंग का प्रोसेस है आपका एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो हमारा गार्लिक नान भी एकदम बढ़िया तरीके से पक गया है। इसको निकाल कर इस पर ढेर सारा मेल्टेड बटर लगाइए और ये हमारा बटर गार्लिक नान रेडी हो गया। चीज़ चिली गार्लिक नान बनाने के लिए एक बोल में 50 ग्राम प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके ऐड कीजिए, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक तरीके से इसकी एक फिलिंग बना रहे हैं हम यहाँ पर। एक बार आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तब एक आटे का पेड़ा लीजिए। अब इसको अंगूठे से और अपने हाथों से इस तरीके से कटोरी का शेप दे दीजिए। कटोरी का शेप देने के बाद आपकी चीज़ चिली गार्लिक फिलिंग लेकर इसमें बीच में रखिए, हल्का सा ऊपर से दबाइए और इस आटे के बॉल को आप सील कर लीजिए। एक बार आपने आटे के बॉल को इस तरीके से अच्छे से सील कर लिया है, इसको आपको हल्का सा इस तरीके से दबा देना है। उसके बाद सूखे आटे से इसको कोट कीजिए और सेम तरीके से जैसे हमने नान पहले बेला था, एक नान बेलकर एक साइड से स्ट्रेच करके इसको नान का शेप दे दीजिए। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाइए, चॉप्ड गार्लिक अच्छे से लगाइए, साथ ही में थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये सारी चीज़ें लगाकर आपको अच्छे से ऊपर से प्रेस करना है कि सारी चीज़ें नान पे चिपक जाएं। अब बस नान को केयरफुली उठाइए, पीछे अच्छे से पानी लगाइए और फिर तवे पर डालकर सेम प्रोसेस से आपको इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा चीज़ चिली गार्लिक नान भी एकदम बनकर तैयार हो गया, एकदम बढ़िया लग रहा है। इसे निकाल कर इसके ऊपर ढेर सारा मेल्टेड बटर लगाइए। बटर लगाने के बाद तो इस तरीके से मैंने ट्राइंगल्स में कट कर लिए हैं, आप स्क्वायर्स में भी कट कर सकते हो। हमारा ये वाला भी नान रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट आवर नान्स वाईएफएल स्टाइल। देखा गाइस के कितने बढ़िया नान बने हैं। और नान ये वाले जब आप सर्व करेंगे अपने गेस्ट को या अपने फैमिली को या फ्रेंड्स को, बिल्कुल कोई नहीं बोल पाएगा कि तंदूर में नहीं बने। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है कि एक एक नान बनाना पड़ेगा। मेरे पास 2 तवे हैं तो मैं 2 तवे भी इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभी, और कभी कभी मेरे पास तंदूर भी है तो तंदूर में भी बना लेता हूँ। बट सेम रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया नान बनते हैं। तो इसी तरीके से नान बनाइए। टॉपिंग्स आप अपने हिसाब से थोड़े सा इसमें इनोवेशन भी कर सकते हैं। कभी कभी मैं सनड्राइड टमेटोज लगा देता हूँ, ऑलिव्स लगा देता हूँ, मशरूम्स लगा देता हूँ ऊपर। स्टफ्ड नान्स बना सकते हो, तो कई तरीके के नान्स आप बना सकते हो। डो आपका सेम ही रहेगा। ये जो डो है बहुत ही बढ़िया बनता है। हर एक टिप और ट्रिक फॉलो करके ये नान इसी तरीके से बनाइए। और जब भी नान बनाओगे और अच्छे बनेंगे, मुझे कमेंट्स में आके बताना कि आपके नान कैसे बने। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल नान रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।